नाउ सेकंड पार्ट, आपको ए परपेंडिकुलर, एक ए से परपेंडिकुलर लाइन गिर रही है बी सी पर, तो आपने उसका डिस्टेंस मालूम करना है। मेरे पास ट्रायंगल कुछ इस तरह का था, इसी पार्ट का मैं दोबारा पार्ट बी कर रहा हूँ। इसके लिए नेक्स्ट वीडियो बनानी पड़ी क्योंकि पहली वीडियो की डिस्टेंस, पहली वीडियो का जो लेंथ है वो बहुत ज़्यादा हो गई थी, इसलिए मुझे रोकना पड़ा। अब मुझे यहाँ से एक परपेंडिकुलर गिराना है इधर। अब इस परपेंडिकुलर, देखें परपेंडिकुलर की प्रॉपर्टी ये होती है कि दोनों तरफ 90 डिग्री एंगल बनता है, ठीक है। तो ये मिड पॉइंट पे गिरता है बिल्कुल, अच्छा मिड पॉइंट पे ना भी गिरे लेकिन ये जहाँ पर भी गिरेगा परपेंडिकुलर, इस पॉइंट से परपेंडिकुलर जहाँ भी गिरेगा दोनों साइड पे 90 डिग्री बनेगा, ज़रूरी नहीं है कि मिड पॉइंट पे गिरे। अब मुझे ये वाला डिस्टेंस मालूम करना है, जो डिस्टेंस नहीं पता मुझे मैं उसको सपोज कर लेता हूँ एक्स। मैं आपको दोबारा याद दिलाता चलूँ, हमारे पास एरिया का फार्मूला क्या होता है, 1/2 बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। अगर मैं अपने ट्रायंगल को थोड़ा सा इन्वर्ट करता हूँ, सीधा करता हूँ, तो मैं इसको कुछ इस तरह से बनाता हूँ। मैंने अपने ट्रायंगल को थोड़ा सा सीधा कर दिया, मेरा सी पॉइंट यहाँ आ गया, बी पॉइंट इस तरफ आ गया और ए पॉइंट मेरा ऊपर चला गया, और मैंने यहाँ से एक परपेंडिकुलर गिराना है और मुझे ये वाली डिस्टेंस मालूम करनी है। तो ये हाइट हो गई, बेस मुझे ऑलरेडी पता है बी से सी, बी से सी जो बेस है वो मैं निकाल चुका था सवाल में, कहाँ है बी सी हमारा, ये रहा बी सी हमारा 10 यूनिट है, 1/2 बेस जो है मेरी वो 10 यूनिट है, और हाइट मुझे मालूम करनी है, हाइट तो पता ही नहीं है तो हाइट की जगह मैं हाइट लिखा रहने देता हूँ। हाँ लेकिन इस ट्राइंगल का एरिया वो मैं अभी थोड़ी देर पहले पिछले पार्ट वन में मालूम कर चुका हूँ, जो कि 48 यूनिट स्क्वायर है। उसकी मदद से देखें, एक दो तीन, तीन क्वांटिटीज़ थी यहाँ पर, इन तीन क्वांटिटीज़ में से एरिया गिवेन है, बेस गिवेन है, हाइट मालूम करनी है, आराम से हो सकता है। ये 48 यहाँ आ गया, 2 1s are 2, 2 5s are 10, ये 48 और 5h, ये 1 multiply by 5, 5 ही रहेगा और 5h ऐसे ही आ जाएगा, ये 5 मल्टीप्लाई कर रहा है वहाँ जाकर डिवाइड करेगा, तो इसका आंसर 9 point something आएगा अगर आप देख लें कैलकुलेटर से। तो 48, 5 9s are 45, देन आपके पास 3.6, आपका 9.6 यूनिट आपका आंसर आ गया। सिंपल था, छोटा सा सवाल था ये, लेकिन थोड़ा सा लॉजिकल और टेक्निकल था। मैं अपनी बात दोबारा दोहराता चलूँ कि हमें एरिया हम पार्ट वन में मालूम कर चुके हैं, हमें अब एक नई हाइट मालूम करने को कही, एक नई लाइन मालूम करने को कही, वो ट्रायंगल के बीच से गुजर रही थी, ए पॉइंट से गुजरती हुई बी सी पर परपेंडिकुलरली गिर रही थी। मैंने अपने ट्रायंगल को थोड़ा सा सीधा कर दिया, सी को इस तरफ ले गया, बी को इस तरफ ले आया और ए को उधर ले गया, देखें जैसे कि ये क्या, ताकि ट्रायंगल समझने में आसानी हो जाए। अब ये मेरी बेस बन गई है बी सी व्हाटएवर जो भी है ये, और ये मेरी ये जो लाइन है इसे मुझे मालूम करना है। सपोज कर लीजिए कि ये हाइट है ट्रायंगल की, एरिया का फार्मूला 1/2 बेस इंटू हाइट, एरिया अभी थोड़ी देर पहले मालूम किया था वो है 48 यूनिट स्क्वायर, 1/2 फार्मूले का बेस, मैंने जैसे कहा आपको बेस इसकी चेंज हो गई है, बी सी हो गई है। बी सी हम पिछले सवाल में मालूम कर चुके हैं इसके पार्ट वन में, इसलिए कोई ज़रूरत नहीं है दोबारा मालूम करने की। तो ये 10 आ गया, हाइट जो कि नहीं मालूम वो आपको मालूम करनी है, 2 इस 10 को रिड्यूस कर देगा, 2 1s are 2 and 2 5s are 10, ये 5h हो जाएगा, 5 आ जाकर इसको डिवाइड करेगा चूँकि ये मल्टीप्लाई कर रहा है, और आपका आंसर 9.6 आ जाएगा। थैंक यू।